सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कान्या चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज इस वीडियो में भी मैं बात करूंगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और आज का टॉपिक जो है वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आए दिन आपके कमेंट क्वेश्चन आते रहते हैं कि आज मेरी इनकी मृत्यु हो गई, आज मेरे ये चले गए, मैं जी नहीं पा रही हूँ। यानी कि आज हम बात करेंगे आपके दुखों के बारे में कि कैसे आपके दुख बनते हैं और कैसे आपके दुखों को सही किया जा सकता है और वो दुख की सीमा ही क्यों आती है। तो आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो प्लीज़ अच्छे से देखिए। और अगर कोई आपके आसपास भी कोई दुखों से सफ़र कर रहा है तो उसके साथ में भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी भी वे में उसकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। सो देखिए, मैंने पिछले कुछ एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जिस दिन भी आप हंस जाओगे का मतलब है कि जिस दिन भी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, समझ लो वो किसी एक रिलेशन की वजह से आई हो, किसी एक व्यक्ति की वजह से आई हो, या कैसे भी वो स्माइल आपके फेस पर आई हो, तो समझ लो उसी दिन से आपने एक दुख बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, तो अभी आज मैं इसका मतलब तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन दूसरे तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दुख आखिर बनते क्यों हैं। सपोज़ करो कि आप एक लेडी हो या आप एक मेल हो, और आपका पार्टनर या आपका बच्चा या कोई भी जिससे आप अटैचमेंट रखते हो, इसके साथ साथ में क्या होता है कि जब भी हम किसी के साथ में अटैच होते हैं, अटैच होने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ में एक हमारा ओरा रहता है, एक स्पेस रहता है जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं, बात करते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और इसके साथ साथ में 12 महीने होते हैं, और हर एक घंटे में 59 मिनट होते हैं, इसके साथ साथ में एक मिनट में 59 सेकेंड होते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन आती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हर सेकंड आप जिस पर्सन के साथ में अटैच हो, उसके साथ में कोई ना कोई मेमोरी क्रिएट कर रहे हो। मेमोरी मतलब एक लेयर, यानी हो सकता है वो अच्छी हो सकता है बुरी हो, मीठी यादें हों, कड़वी यादें हों, गुस्से की हों, किसी भी तरह की, लेकिन समहाउ आप अटैचमेंट में हो, यानी कि आप उससे अटैच हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी और आपकी लेयर बनती ही जाती है। अब हर सेकंड आप इतना कर रहे हो, और सपोज करो कि आप जिस पर्सन के साथ में अटैच थे, यानी कि जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ में आप पिछले 10 साल से थे, 4 साल से थे, ये कितना भी एक टाइम था, तो आपने कितनी बड़ी लेयर उनके ऊपर बना रखी थी या उनके प्रति अपने ऊपर बना रखी थी। अब सडन से क्या होता है कि कोई बोलता है कि जिस पर्सन से आप अटैच थे अब वो आपसे दूर जा चुका है और हमेशा के लिए जा चुका है, वो अब आपको इस धरती पे कभी इस जीवन में तो कम से कम नहीं दिखेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी साइकोलॉजी को एकदम समझ में नहीं आएगा क्या होगा, उसका तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, उसका पूरा यूनिवर्स इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको उसी समय बता दिया जाए कि आपका पुत्र, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या कोई और भी रिलेशन वाला जिससे आप अटैच हो, वो 6 महीने के लिए कहीं हॉस्पिटल में गए हैं और 6 महीने के बाद में वो आपके आसपास में आ जाएंगे, तब आपके साथ में क्या होगा? उस समय में आपके आसपास की जो एक सिचुएशन बनेगी वो है, ठीक है मैं 6 महीने तक का वेट करता हूँ या वेट करती हूँ, उसके बाद में तो मुझे मिल ही जाना है, तो आपको दुख कम होगा। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा, दुख होगा क्योंकि आप अटैच हो, जिससे आप डेली सेकंड बाय सेकंड इंटरेक्ट होते हो, हमेशा एक मेमोरी क्रिएट करते हो, ऑरा क्रिएट करते हो, उसके साथ साथ में लेयर बनाते जाते हो। 6 महीने तक तो कम से कम नहीं बनेगी, बस अपने ख्याली पुलाव एक सोच में रहोगे, लेकिन जब आपकी साइकोलॉजी को, आपके थॉट प्रोसेस को ये पता चल जाता है कि वो पर्सन हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तब आपको पता है कि मेरा जो एक अपनापन था, जहाँ मुझे कंफर्ट मिलता था, वो कंफर्ट जोन चला गया, जिससे हम अटैच थे वो चला गया। क्यों चला गया? ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि दूसरे के केस में ऐसा कैसा हो सकता है हम नहीं सोचते, अगर सोचते हैं तो एक बहुत छोटे से समय के लिए सोचते हैं, लेकिन जब हमारे खुद पर बीतती है तो ये बहुत समय, छोटा सा भी समय, एक ऐसा लगता है जैसे कि पूरे कायनात थम सी गई है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसा होगा, क्यों हो रहा है, अब क्या होगा। तो इसी समय एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ,
जब भी हम किसी शख्स के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई भी रिलेशन रहने दो, जिंदा रहते वक्त हम हमेशा उस शख्स की निगेटिविटी को देखते हैं। पॉजिटिविटी का रेशियो देखने का बहुत कम रहता है, हमेशा उसकी नकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जब कोई शख्स हमारे यहाँ से परमानेंटली हमारे हाथ से निकल जाता है या हमारे पास से निकल जाता है, तब हम क्या करते हैं, हमेशा के लिए उसकी पॉजिटिविटी को देखते हैं और नकारात्मक चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और अगर याद करते भी उसकी नकारात्मकता, तो उसमें हमें क्या लगता है, उसका एक अच्छा एहसास लगने लगता है। तो ये चीज़ भी आपका जो पेन है, जो दुख है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। क्योंकि जब हमारे आसपास कोई रहता है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें उसकी अंदर से एक उमड़ उमड़ के ऐसा प्यार आता है जो कभी हमने महसूस ही नहीं किया उनके रहते हुए। उस तरह की फीलिंग्स कह लो, ओरा कह लो, जो भी आप अपने हिसाब से कह सकते हो, उस तरह की एनर्जी हमने कभी आसपास अपने फील ही नहीं करी। तब हम रोएंगे, रो के हमें थोड़ी देर में बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर रोएंगे, अपने पूरे आँखों को ड्राई कर लेंगे, इस तरह की। तो जैसे मैंने बताया, देखिए पेन कहाँ से बनता है। अब एक साल में सपोज करो कि आपने कितनी लेयर्स बना ली होंगी, और आप उनके साथ में 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, या जो भी आपकी लाइफ की ड्यूरेशन उनके साथ में रही है अटैचमेंट की, इतने टाइम से रह रहे हो। अब कोई सेकंड पर्सन आपको आके कहता है कि आप उनको भुला दो, तो ये पॉसिबल तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि इतने समय की लेयर जो आपके ऊपर बनी हुई हैं, उस कोई बोल रहा है उस लेयर को एकदम से काट दो, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और आपको भी गुस्सा आएगा और आना भी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन लेयर को कैसे कैसे कम कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना सुन लो कि देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए। एक स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में मोटिवेशन मेरी वीडियो में रहता है, लेकिन इस तरह का मोटिवेशन नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद में ख़त्म हो जाए। अगर आप सिर्फ उस वीडियो को समय के लिए देखोगे और उसको अपनी लाइफ में एनालाइज नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो वो इसी तरह कराएगा। तो मैं चाहता हूँ इन वीडियो से सीखो कि मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ। मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। अगर आज मैं कुछ रूड बातें भी करता हूँ तो आपके फ़ायदे के लिए करना चाहता हूँ, ताकि आप उसको समझ सको, उसको अपने जीवन में उतार सको। अगर नहीं करोगे तो उसमें आपकी दिक्कत है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप नहीं समझ सकते, आपने तो कोई अपना नहीं खोया, जब आप किसी अपने को खोओगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए इस बारे में बात ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, किसने क्या खोया नहीं खोया वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके पेन को अपना पेन समझ के समझता हूँ, कि कैसे भी करके आप जितने भी लोग दुखी हो या आजकल जिसको भी पेन मिल रहा है इस तरह का स्पेशली, वो क्योर हो जाए, हील हो जाए, मेरे द्वारा हो जाए, मुझ जैसा कोई दूसरा शख्स हो या आपके आसपास कोई शख्स है, किसी के भी द्वारा, लेकिन हील हो जाए। मतलब बस मेरा इतना सा है कि आप सारे लोग किसी भी तरह से बस पहले की तरह अच्छे हो जाओ। अब बात आती है कि देखिए जब आप किसी के साथ में अटैचमेंट में थे तो एक जो स्पेस था उनका आपकी लाइफ में या आपका उनकी लाइफ में, वो तो बना हुआ था। और जब वो आपके पास है, यानी कि आपके साइकोलॉजी को पता लगता है कि वो यहाँ पे नहीं है, हमेशा के लिए जा चुके हैं, तब क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी एकदम परेशान हो जाती है और उसको लगता है कि जो एक स्पेस था वो तो एम्प्टी हो गया, उसको कैसे भरें। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी पत्नी की जगह कोई और ले सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड की जगह कोई और ले सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे बॉयफ्रेंड की या मेरे गर्लफ्रेंड की जगह कोई और ले सकती है, ले सकता है। मेरे बच्चे तो इतने सबसे अच्छे थे, मेरे हस्बैंड ने तो कभी कोई गलत काम ही नहीं किया, मेरे पत्नी ने तो कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया। हालांकि जीते वक्त आपने कभी भी अपनी उस आत्मा को थैंक यू नहीं बोला, मैं रूड बात करूँगा, फैक्ट की बात करूँगा, कभी उनकी वैल्यू ही नहीं करी। आज आप बोलते हो, क्लेम करते हो कि उनसे अच्छी आत्मा ही नहीं है। देखिए यहाँ पर अच्छा होना बुरा होने के तो कोई बात ही नहीं है। मैंने जैसा बताया ना, इस समय पर आपकी साइकोलॉजी इस तरह से वर्कआउट करती है कि उस शख्स से अच्छा कोई शख्स ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस समय आप पॉजिटिविटी देखते हो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को पता है कि वो हमेशा के लिए आपसे दूर जा चुके हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो जो बैलेंस है उस बैलेंस को आप खो देते हो। अब चलो मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर पीछे। तो जैसे मैंने बताया कि वो जो एक स्पेस था, उस स्पेस को जब आप खो देते हो या वो स्पेस आपके यहाँ पे पहले की तरह खाली हो जाता है, तो आपको अकेलापन महसूस होता है।
क्योंकि चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी रिलेशन वाला हो, एक उसी तरह से एक अटैचमेंट, एक जो स्पेस है वो तो ज़रूर बनता है। और जब वो खो जाएगा तो हमारी साइकोलॉजी हमसे परेशान हो जाएगी। अब उसको हम कैसे समझा सकते हैं, वही एक इम्पोर्टेंट बात है। अब आने वाली वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि इस ये जो साइकोलॉजी बनी हुई है इससे कैसे ओवरकम करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी किसी पेन से गुजर रहे हो तो एक अपॉइंटमेंट ले लो। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप पैसा क्यों चार्ज करते हो हम जैसे लोगों से। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी हॉस्पिटल में जाओगे, क्या आप वहाँ डॉक्टर को फीस नहीं देते? मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, देखिए मुझे खाने के लिए चाहिए, मेरी टीम है जो है उसको भी चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बार बार समझाने पड़ता है आपको। कुछ तो ये बोलते हैं कि सर आप भी पैसे चार्ज करते हो। अरे मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं पर भी जाओगे हर जगह पैसे की ज़रूरत है। बस मेरे में उनमें अंतर क्या है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, बस अपने सर्वाइवल के पीछे भागने की कोशिश करता हूँ। और उसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं कुछ और ऑप्शन आपको दूंगा, उन ऑप्शन के तरफ जाइए। किसी भी तरह आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी, कम से कम मुझे जिंदा तो रखना पड़ेगा इस बॉडी को, खाना तो एटलीस्ट चाहिए। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपके कल को वीडियो भी नहीं बना सकता आपके लिए और ना ही आपकी हेल्प कर सकता। तो जो लोग अगर ये समझते हैं कि मैं पैसा चार्ज करता हूँ तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट ना करें। और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, अगर आप उनके पीछे जाओगे जो पहले लोग इसमें काम कर रहे हैं आज से 10 साल 15 साल पहले से, जब मेरा या यूँ कहूँ कि जन्म भी नहीं था, तो आपसे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये मांगते। मेरे तो इतना चार्जेस भी नहीं है। तो मेरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर है, लेकिन किसी को भी गलत समझने की ज़रूरत नहीं। कम से कम जान लो पहले, तब जज करो, और मैं बोलता हूँ जज ही नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने जैसे पहले बताया कि हम ऑलरेडी ब्लॉग्स लिखना स्पिरिचुअलिटी पे और आपको अवेकन करने वाले ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप भी चाहो तो वो ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। और अगर कोई पेन है, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, तो वो ब्लॉग्स आपकी बहुत मदद करेंगे। ब्लॉग्स मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट www.prachinkarne.com पर। उसके वेबसाइट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, इस वीडियो में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा सकते हो। अगर उस पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी वैल्यू वाली चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।